जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमंते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, शुक्रवार का दिन 7 जनवरी, व्यतिपात योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि का प्रभाव, राहु की छाया, शुक्र मंगल बुध और चंद्रमा की दृष्टि। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति शनि का प्रभाव, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख, जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सौभाग्यशाली योग बनाता है। बृहस्पति और शनि का प्रभाव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपको भाग्यशाली बनाता है। आज आप अपने जीवन में सत्य के प्रति निष्ठावान होंगे, कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति और शनि आपकी कुंडली में ऐसा ही योग बना रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का गोचर है, जबकि शनि के साथ बुध का गोचर। कर्म के प्रति निष्ठेवान यानी मेहनत से आपका भाग्य बदलता है, आपके जीवन में सुख धन की प्राप्ति होती है, उन्नति तरक्की होता है, सौभाग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। जब शनि बुध के साथ गोचर करता है तो आप अपने मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं। आज आपकी कुंडली के सुख स्थान में शनि बुध के साथ बैठा है, जबकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति चंद्रमा के साथ। आज आपकी कुंडली के धन स्थान में मंगल केतु के साथ गोचर कर रहा है, जबकि सूर्य के साथ आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में बैठा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति शनि, आज आप अपने कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं, अपने कर्म से कामयाबी पाते हैं, अपने कर्म से जीवन का सुख प्राप्त करते हैं। आज आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। कुछ साहसिक काम करेंगे, ईमानदारी रखेंगे, स्वाभिमान आज आपके जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि आज मंगल और केतु का गोचर है तो दूसरी तरफ चंद्रमा और बृहस्पति का गोचर है। पंचम भाव में जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ गोचर करता है तो आपके जीवन में सौभाग्य का सुख मिलता है, आपके जीवन में भरपूर सफलता मिलती है, सुख मिलता है और परिवार में समृद्धि बढ़ती है। आज ये बृहस्पति जिसके मित्र ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल, आज सूर्य की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है, जो आज शुक्र के साथ पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। वहीं चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा है, जबकि मंगल धन स्थान में गोचर कर रहा है, तो दूसरी तरफ शनि के मित्र ग्रह बुध शुक्र राहु का अष्टम भाव में गोचर करना, शुक्र का पराक्रम स्थान में बुध का शनि के साथ गोचर करना, आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदर समय, शुभ समाचार की प्राप्ति, कार्य सिद्धि का योग। आज आपके जीवन में उन्नति का अवसर मिलेगा, तरक्की का सुख मिलेगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा का गोचर होता है, भाग्य के सितारे चमकते हैं। आपके जीवन में पराक्रम सफलता देता है, उन्नति का अवसर मिलता है, मन की उलझनों से छुटकारा मिलती है, एक नई ऊर्जा आपको उत्साहित करती है। शुक्र मंगल बुध और चंद्रमा की दृष्टि है, राहु की छाया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति शनि जीवन में सुखों को बढ़ाता है, मन की शांति लाता है, संतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है, कामयाबी और सफलता की खुशी, जीवन में आगे बढ़ने का साहस, भाग्य के सितारे बिगड़े काम बनाते हैं। आज स्त्री का भोग, स्त्री का सुख, जीवन में सुख पाने वाला, आज आपके जीवन में प्यार की मधुरता,
पराक्रम से सफलता, जीवन का सुख, सब कुछ बृहस्पति और शनि देता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आज के दिन चार चरण होंगे। पहले चरण में मंगल, शनि और बृहस्पति, जिसमें मंगल की दृष्टि होगी, शनि और बृहस्पति का प्रभाव होगा। मंगल ग्रह का प्रभाव प्रथम चरण में बहुत ज्यादा होता है, जो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ाता है, आपके विश्वास को मजबूत बनाता है, अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होते हैं और बड़ी सफलता पाते हैं। आज मंगल धन स्थान में बैठा है, आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। मंगल केतु के प्रभाव से, शनि बृहस्पति के प्रभाव से आज आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, अपने जीवन में आप सफलता और कामयाबी प्राप्त करेंगे। वहीं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का द्वितीय चरण, जब शुक्र, शनि और बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, शुक्र की दृष्टि होगी, शनि और बृहस्पति का प्रभाव होगा, जो आपको जीवन में सुख देता है, सुखों का भोग देता है, आप बड़ी सफलता हासिल करते हैं, जीवन में आराम से रहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। शुक्र के दृष्टि से आपके जीवन में सुख बढ़ता है, भाग्य बनता है आपके जीवन में। शुक्र जीवन को सुंदर बनाता है, खुशियां मिलती है, सौभाग्य उन्नति की प्राप्ति होती है, इच्छा शक्ति से सफलता कामयाबी, जीवन का सुख, अपनी ताकत से जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। वहीं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का तृतीय चरण, जब बुध की दृष्टि होगी, बृहस्पति और शनि का प्रभाव होगा, बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, जो आज शनि के साथ गोचर कर रहा है, जो आपको खूबसूरत बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आपके भाग्य सौभाग्य को चमकाएगा, पुत्र का सुख देगा, धन का सुख देगा, स्त्री का सुख देगा, परिवार का सुख देगा, आपको श्रेष्ठ बनाएगा, प्रसिद्धि देगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, जब चंद्रमा की दृष्टि होगी, शनि और बृहस्पति का प्रभाव होगा, इस समय मन थोड़ा चंचल होगा, पर मन में अच्छे विचार आएंगे, हर परिस्थिति पर साहस के साथ सफलता प्राप्त करने का सुंदर योग। चंद्रमा चूंकि बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, आपके जीवन में भरपूर सफलता और कामयाबी देगा। आज का दिन उत्तम फल प्राप्त होंगे। बृहस्पति और शनि साथ में चंद्रमा और बुध रोजगार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य उदय का योग बनेगा। जीवन में अगर कोई अड़चन है तो वो अड़चन दूर होगी, उन्नति होगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये समय सुख संपत्ति को बढ़ाता है, शुक्र की दशा शुभ फल देती है, वहीं चंद्रमा हर विपत्ति से आपका रक्षा करता है। बृहस्पति और शनि कर्मों का फल देने वाला सुंदर योग बनाता है, जिससे आपके जीवन में सौभाग्य समृद्धि बढ़ती है, आपका व्यक्तित्व साहसी होता है, आप जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं और अपने जीवन में बड़े निर्णय लेते हैं। आज आपके जीवन में हर तरह से सफलता कामयाबी का योग है, सुख समृद्धि का योग है। तुला राशि वालों, अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से कम है तो आप अपने जीवन में सफलता के लिए प्रयास करेंगे, आपके प्रयास खुशी देगा, सुख देगा, लेकिन 24 से 33 वर्ष की आयु में जीवन में सर्वाधिक सफलता आप प्राप्त करेंगे। अगर आपकी आयु 40 वर्ष से 54 वर्ष के बीच है तो भाग्य के सितारे ऐसे चमकेंगे कि जीवन की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए कि आज शनि का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, शनि के साथ बुध का गोचर है तो बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठा है, आगे बढ़ने का विश्वास, सुख धन की प्राप्ति, जीवन में खुशी, भाग्य का साथ। आज तुला राशि वालों के लिए जीवन में समृद्धि सौभाग्य का ऐसा योग जो आपके भाग्य के सितारों को चमका दे, आपके जीवन में संपत्ति उन्नति का योग बना दे, आपके जीवन में लाभ और तरक्की लेकर आए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाए। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप बहुत आशावादी होंगे,
अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, भाग्यशाली हैं तो जीवन में सफलता मिलती है, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, कार्य में बड़ी सफलता आपके जीवन को सुंदर बनाता है, वहीं आज आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य, क्योंकि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में विपरीत परिस्थिति में भी कड़ी मेहनत से कार्य में सफलता हासिल करते हैं। दिन शानदार है, समय शुभ है, उत्तम योग है, ऐसे में आपके जीवन में भरपूर खुशियां मिलेगी, भरपूर लाभ होगा, आपके द्वारा किए गया काम आपके नाम को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जीवन में खुशी मिलेगी, कार्य पूरा होने से मन में उपलब्धि और तरक्की का एहसास होगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ और सुंदर है, जो आपके भाग्य सौभाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन में समृद्धि और धन को बढ़ाएगा। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 7 जनवरी शुक्रवार का दिन, पौष माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, वैतिपात योग, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, बृहस्पति शनि का प्रभाव, राहु की छाया, शुक्र मंगल बुध और चंद्रमा की दृष्टि। आज आपके जीवन में खुशखबरी मिलेगी, सुख मिलेगा, लाभ होगा, तरक्की होगी, समृद्धि सौभाग्य से आप आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, परिवार के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे, हर काम को करने में सफल होंगे, सफलता से मन में खुशी होगी, आपके जीवन में लाभ है, आपके जीवन में आ रही रुकावट आज शनि और बृहस्पति के कारण खत्म होगा, आज चंद्रमा आपको उत्साहित करेगा और आपके मनोबल को बढ़ाएगा, जबकि आज मंगल आपको धन देगा, वहीं शनि जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा रास्ता बनाएगा, आज बृहस्पति से परिवार में खुशियां बढ़ेगी, वहीं शुक्र और सूर्य आपके जीवन में लाभ और तरक्की देगा, आज आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कोई बड़ी काम करेंगे, अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करेंगे, भाग्य के सितारे बुलंद हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि सुख लाभ का योग बनाएगा। आज दिन की शुरुआत सुबह 5:26 से 6:21, शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में बृहस्पति और चंद्रमा के प्रभाव से दिन की शुरुआत होगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, मन में खुशी होगी, जीवन में कुछ पाने की इच्छा होगी, आप मेहनत करेंगे, भाग्य के सितारे चमकेंगे, जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होगी। आज रवि योग सुबह 7:15 से आरंभ होगा, रवि योग में आपके लिए उन्नति का योग है, तरक्की का योग है। अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:48 का समय, जब आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की दृष्टि होगी, शनि का प्रभाव होगा, मन में आगे बढ़ने का साहस होगा, लाभ मिलेगा, तरक्की उन्नति की प्राप्ति होगी। विजय मुहूर्त 2:12 से 2:53 का समय, जीवन में खुशियां बढ़ेगी, सौभाग्य सुख लाभ का योग आपके जीवन में बड़ी सफलता देगा। अमृत काल रात्रि 10:20 से 11:56 का समय, जब बृहस्पति का प्रभाव होगा, बुध चंद्रमा की दृष्टि होगी, राहु की छाया होगी, जीवन के सुखों का आप भोग करेंगे। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पंचमी तिथि को बृहस्पति शनि का प्रभाव, राहु की छाया, शुक्र मंगल बुध चंद्रमा की दृष्टि, दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें, आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 5 होगा, तो पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति शनि आपकी किस्मत को चमकाएगा, जीवन में खुशी और धन देगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है, सुंदर है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, जीवन के सारे बाधा दूर होंगे, उन्नति तरक्की सुख समृद्धि से आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य के सितारे चमकेंगे। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय